किसमें बैठ समझाते हैं? ब्रह्मा में बैठ समझाते हैं कि सुनाते हैं? ब्रह्मा में बैठ सुनाते हैं। और बाप किसमें बैठ समझाते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा में बैठ समझाते हैं। अक्सर करके मनुष्य शांति को बहुत पसंद करते हैं। अगर कोई घर में खिटपिट होती है तो अशांति रहती है। अशांत होने से दुख भासता है, शांति से सुख भासता है। यहां तुम बच्चे बैठे हो तो तुमको सच्ची शांति है। तुमको कहा गया है कि बाप को याद करो और अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझो। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है वो आत्म की स्थिति में रहने से निकल जाएगी। शांति के सागर बाप को याद करने पर तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है, ये भी तुम जानते हो कि शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया अलग अलग है। आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया। सत्ययुग और कलयुग किनको कहा जाता है ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं तो जानवर बुद्धि ठहरे। तुम कहेंगे हम भी नहीं जानते थे। तो दुनिया में जो पैसे वाले होते हैं उनको पोजीशन वाला कहा जाता है। गरीब और साहूकार समझ तो सकते हैं ना, वैसे ही तुम ये समझ सकते हो कि ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद है। अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो कि हम तो ईश्वरीय संतान है, ये तो पक्का निश्चय है ना। जानते हो कि आसुरी संप्रदाय अथवा औलाद किसको कहा जाता है? ये बात सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही समझते हो, परंतु कभी कभी समझते हुए भी भूल जाते हो। तुम ब्राह्मण समझ सकते हो कि हम ब्राह्मण और ईश्वरीय संतान है, तो हर समय वो खुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं। सत्युग में होते हैं दैवी संप्रदाय, उनको ईश्वरीय संप्रदाय नहीं कहेंगे। यहां संगम में होते हैं ईश्वरीय संप्रदाय और कलयुग में है आसुरी संप्रदाय। पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली होती है, क्योंकि अभी हम शिव बाबा की औलाद बने हैं। बीच में भूल गए थे, अभी फिर इस समय बन जाना है कि हम शिव बाबा की संतान हैं। वहां सत्युग में होते हैं तो अपन को ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाते हैं, वहां है दैवी औलाद। उनके पहले हम आसुरी औलाद थे,
આવી ઈશ્વરી ઔલાદ બને. હમ બ્રાહ્મણ બ્રહ્મા કુમાર કુમારી હૈ, એક બાપ કી રચના હૈ. તુમ સબ ભાઈ બહેને હો ઓર ઈશ્વરી ઔલાદ હો. તુમ જાનતે હો કે હમકો બાબા સે રાજી મિલ રહા હૈ. કલયુગ હૈ દુઃખધમ, તુમ સંગમયુગી બ્રાહ્મણ યે બાત જાનતે હો. કલયુગી ઘર મે, કલયુગી દુનિયા મે હૈ. એક હી ઘર મે બાપ કલયુગી ઓર બચ્ચા સતયુગી બન રહા હૈ, ક્યોંકિ ઈશ્વરી ઔલાદ બના હૈ. यूं तो हम सब आत्माओं का बाप परमात्मा है, ये भी जानते हो. बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वो रचयिता है, नरक का क्रिएटर तो नहीं है. तो उनको कौन नहीं याद करेंगे. तो मीठे मीठे बच्चे जानते हो, बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं. कैसे? स्वस्थिति से स्वर्ग की स्थापना. और नरक की स्थापना कैसे होती है? देहभान. नर में होता है देहभान, तो नरक बनाता है. तो स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप स्वस्थिति में सदा रहने वाला है. वो हमारा बहुत मीठा बाप है. हम कोई 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं. इससे जास्ती मीठी वस्तु कोई होती नहीं है. तो ये समझ रखनी चाहिए कि हम ईश्वरीय औलाद हैं. हमारे में कोई ऐसा आसुरी नहीं होना चाहिए. अपनी उन्नति करनी है, क्योंकि समय बाकी थोड़ा है, उसमें गफलत नहीं करनी चाहिए. भूल नहीं जाना है. ये भी देखते हो कि बाप सन्मुख बैठा है, जिनकी हम औलाद हैं, हम ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं. दैवी औलाद बनने के लिए तो कितनी खुशी होनी चाहिए. आधा समय हम आसुरी संप्रदाय रहे, बहुत दुख उठाए. विषय सागर में गोता खाया, जहर पिया. जहर पीने से दुख होता है, अमृत पीने से सुख होता है. अभी तुम जानते हो कि हम तो ईश्वरीय औलाद हैं. ईश्वर बाप आया है बच्चों को ले जाने के लिए. बाबा सिर्फ कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकल विनाश हो जाएंगे. बाबा आया ये सबको ले जाने के लिए. जितना याद करेंगे उतने विकल विनाश होंगे. तो देखो, बाप को ऐसे याद करो जैसे कि कन्या की सगाई होती है. तो जैसे याद बिल्कुल कन्या के दिल में छप जाती है, फिर बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की याद दिल में छप जाती है. याद तो स्वर्ग में भी छप जाती है, नरक में भी छप जाती है. बच्चा कहेगा कि हमारा बाप है, परंतु अभी तो ये बेहद का बाप है जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है. तो उनकी याद छप जानी चाहिए. जैसे ज्ञान काल में याद छप जाती है, अपन को आत्मा समझ और बाप को याद करना है,
बाबा से हम भविष्य की जन्मों का फिर से बसा ले रहे हैं। अठारह से 66 की वाणी का दूसरा दिन, बुद्धि में वर्षा याद है, ये भी जानती हो कि मरना तो सबको ही है, एक भी बचने वाला नहीं है। जो जीते जी नहीं मरेंगे तो शरीर से मरना पड़ेगा, सब चले जाएंगे। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो, ये पुरानी दुनिया गई कि गई, परंतु इस दुनिया के जाने के पहले हमको पूरा पुरुषार्थ करना है। जबकि हम ईश्वरीय औलाद हैं तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं कि बच्चे अपनी खातिर अपना जीवन तो हीरे जैसा बना लो, वो है डीटी वर्ल्ड और ये है डेविल वर्ल्ड। सत्य को में देखो कितना अथाह सुख रहता है, और वो अथाह सुख बाप ही आकर के देते हैं। यहाँ तुम बाप के पास आते हो, परंतु यहाँ तो नहीं बैठ जाएंगे, और ऐसे भी नहीं कि सब इकट्ठे ही रहेंगे, क्योंकि तुम तो बेहद के बच्चे हो, वो आसुरी औलाद है, वो 5 होंगे 50 होंगे 60 होंगे 100 होंगे। निजाम को 500 रानियां थी, फिर बच्चे भी उनको इतने होंगे। यहां तो तुम बहुत थोड़े आते हो और बहुत ही उमंग से आते हो, सोचते हो कि हम जाते हैं बेहद के बाप के पास, हम ईश्वरीय औलाद हैं, गॉड फादर के बच्चे, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में जाने की चाहिए। गॉड फादर है तो जरूर स्वर्ग का रचयिता है, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, जानते हो कि हेवनली गॉड फादर हमको वहां ले जाने के लायक बनाए रहे हैं। कल्प कल्प 5000 वर्ष बाद पढ़ाते हैं, और एक भी मनुष्य नहीं है जिनको ये पता हो कि हम एक्टर हैं और गॉड फादर के बच्चे हैं, तो हम दुखी क्यों हैं? दुखी है उससे क्या साबित होता है कि हम अभी भी गॉड फादर के बच्चे नहीं बने हैं। आपस में लड़ते क्यों हैं? हम आत्माएं तो सब ब्रदर्स हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन हैं, फिर लड़ना झगड़ना क्यों होना चाहिए? इसका मतलब अभी भी देवान आता है, पक्के बच्चे नहीं बने हैं, आत्मा मैली हो गई है ना, लड़ाई का मैदान होता है तो मैले होते हैं। फिर देखो एक दो में कैसे लड़ते हैं, इन्हें लड़ाई लड़ने वालों के समान कोई खौफनाक होगा क्या? सारे शहर पर बॉम्ब्स फटेंगे और खत्म हो जाएंगे। हम बच्चों
में भी अगर कोई आपस में लड़ाई लड़ते हैं, मनमुटाव करते हैं, तो समझना चाहिए हम ईश्वरी औलाद हैं या आसुरी औलाद हैं। उनको कहा जाता है आसुर, इनको जो आपस में लड़ते हैं, राक्षस कहा जाता है। प्रदर्श होकर आपस में कैसे लड़ते रहते हैं, लड़कर ही सारे खत्म हो जाएंगे। यहाँ तो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, ब्रदर्स को आपस में कभी मूत पलीति नहीं बनना चाहिए, लून पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो देखो बाप से भी लून पानी होते रहते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी लून पानी हो जाते हैं। उनके अगर नाम सुनावे तो हैरान हो जाओ, माया कितनी जबरदस्त है। आपस के मनमटाव में आकर के बाप को कब पत्र भी नहीं लिखते, तो समझता हूं कि क्या हो गया बच्चे को, क्या वो मर गया। माया ते जीते जीत, माया ते हारे हार। बाप खुद कहते हैं बच्चे दो अक्षर ही सही, लेकिन बाप को पत्र लिखो तो सही। ऐसे भी बहुत है जो बिगर किसी के कहे बिगर पूछे ही एक दो को याद क्या लिख देते हैं। एक दो को याद प्यार लिखेंगे, पत्र लिखेंगे, बाप को नहीं लिख सकते। अरे बाप तो कहते हैं मेरे को पत्र लिखो, एक दो में एक दूसरे को पत्र लिखते हो, अब उसने तो कहा नहीं कि मेरे को पत्र लिखो। ऐसे ही एक दो का नाम लिखने की टेव पड़ गई है तो लगाओ तो साबित हो जाता है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो बाप को याद पड़ते हैं, बाप कितना लव करते हैं बच्चों से, और बाप के पास तो सिवाय बच्चों के और कोई है भी नहीं जिनको याद करें। तुम्हारे लिए तो बहुत है, तुम्हारी बुद्धि इधर उधर जाती है, धंधे आदि में बुद्धि जाती है, और बाप को तो सिवाय बच्चों की और कोई धंधा नहीं है। तुम अनेक बच्चों के अनेक प्रकार के धंधे हैं, और बाप का तो एक ही धंधा है। हम तो आए ही हैं बच्चों को स्वर्ग का वारस बनाने के लिए। क्या बाप की पहचान बताई, पहचान बताई जब ज्ञान क्या सदैव स्वर्ग ज्ञान दास। बच्चों के अनेक प्रकार के धंधे हैं और बाप का तो एक ही धंधा है। बच्चे अनेकों को याद करते हैं, नाना चाचा मामा काका ताऊ, और बाप को बच्चों के सिवाय कोई दूसरा संबंध नहीं है। तो हम तो आए ही हैं बच्चों को स्वर्ग का वारस बनाने के लिए। ये भी बाप की पहचान का पॉइंट है।
ये भी तुम बच्चे समझते हो। वो गीता पढ़ने वाले तो कुछ भी नहीं समझते। इनको बाप ने ज्ञान दिया, इनको ब्रह्मा को, इनको माना ब्रह्मा को बाप ने ज्ञान दिया। कैसे दिया? साक्षात्कार करा के। इनको बाप ने ज्ञान दिया तो भक्ति की गीता एकदम फेंक दी। किसने समझा? इनमें तो सब झूठ है। अभी इनको हम क्या करेंगे? झूठे मनुष्य ने बैठ झूठी बातें लिख दी है। बेहद के बाप की प्रॉपर्टी से तुम बच्चे हो। गॉडफादर है ना, तो सभी आत्मा इनकी प्रॉपर्टी है। माया ने छी बना दिया है। अभी फिर बाप गुलगुल बनाने आया है तो बाप कहते हैं मेरे तो तुम ही हो और तुम ही पर हमारा मोह है। इन पर कौन तुम बच्चों? सन्मुख बैठे जब लोग पढ़ते हैं, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले बच्चे हैं, यही इसी शरीर से बाप से वर्षा लेते हैं, उनके लिए कहते हैं चिट्ठी नहीं लिखते हो तो बाबा को होना आता है। अच्छे अच्छे बच्चों को चिट्ठी नहीं आती है तो समझता हूं कि अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया एकदम खत्म कर देती है। जरूर देह अभिमान है जो बाप को पत्र भी नहीं लिखते। बाबा कहते रहते हैं बच्चे अपनी खुश खैरियात लिखते रहो। बाबा ऐसी बात पूछते हैं जो दुनिया में कोई नहीं पूछते। बाप पूछते हैं तुमको कहीं माया तो हैरान नहीं करती है? बहादुर बन करके माया पर जीत पहनो, क्योंकि तुम युद्ध के मैदान में हो। कर्म इंद्रियों को ऐसा बस में करना चाहिए जो कैसी भी माया परीक्षक रूप में आ जावे तो भी तुमको चंचलता नहीं आवे। सत्युग में तो सभी कर्मेंद्रियां बस में रहती हैं। न मुख की, न कान की, न हाथ की कोई चंचलता की बातें होती हैं। वहां तो कोई भी चीज गंदी नहीं होती। 18 जून 1967 की वाणी का तीसरा पेज। यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करते हो और वहां भोग बल से कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं, चंचल हो जाती हैं। बाप कहते हैं कोई भी गंदी बात पहले नहीं होती है। पहले मनसा में आता है, फिर बात वाचा में आती है, फिर कर्म इंद्रियों में आती है। मनसा में तो आवेगा। 63 जन्मों का हिसाब किताब है।
शूटिंग की रील में तो आवेगा, परंतु कर्मेंद्रियों को वश में करना है और अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, क्योंकि अभी समय बहुत थोड़ा है, गायन भी है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। नैया बनती रहती है, मकान बनता रहता है, तो ये बुद्धि में रखना है कि बाकी थोड़ा समय है, एक तुम्हारी नैया पार जावेगी, नई सृष्टि रूपी मकान तैयार हो जावेगा। इस दुनिया में हद की बात और बाप सुनाते हैं बेहद की बात, ये भी तुम बच्चों को समझाया है। उन घमंडियों का है साइंस का बल और तुम्हारा है साइलेंस का बल। उनको घमंडी क्यों कहा? क्योंकि वो जो भी बल दिखाते हैं वो सारा उनका बल प्रत्यक्ष हो जाता है, और तुम्हारे में जो भी बल इकट्ठा हो रहा है वो सब गुप्त इकट्ठा हो रहा है। तुम्हारी है गुप्त तरकीब, वो घमंड में आकर के प्रत्यक्ष करते हैं, तो आत्माभिमानी हो, आत्मा भी गुप्त तो तुम्हारा पुरुषार्थ भी गुप्त। है तो उनका भी बुद्धि का बल और तुम्हारा भी बुद्धि का बल हो, वो बुद्धि के बल से नई नई बातें इजाज करते हैं और तुम भी बुद्धि के बल से बाप को याद करते हो। वो बुद्धि के बल से कितनी इन्वेंशन निकालते रहते हैं, अभी तो ऐसे ऐसे बम से निकालते रहते हैं कि कहते हैं हम वहां बैठे ही बैठे बम छोड़ेंगे तो सारा का सारा शहर खत्म हो जाएगा। फिर तो एरोप्लेन आदि कुछ भी काम में नहीं आवेंगे। तो वो है उनकी साइंस की बुद्धि। कैसी बुद्धि है, विनाशकारी या निर्माणकारी? विनाशकारी बुद्धि है। और तुम्हारी है निर्माण बुद्धि, तुम्हारी साइलेंस की बुद्धि है। वो विनाश के लिए निमित्त बनते हैं और तुम अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त बनते हो। ये सब बातें समझने की बुद्धि चाहिए कि तुम कैसे ईश्वरीय औलाद हो और वो कैसे आसुरी औलाद है। देखो बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं, बल कितनी भी अहिल्याएं हो, कुब्जाएं हो, सिर्फ दो अक्षर ही याद कराना है। क्या अहिल्याएं मना है? अही ले आ, क्या ले आ? सांप को पकड़ के बाप की सभा में ले आई,
की ये विचारी बुद्धि है, इसमें चंचलता भरी हुई है, परंतु मोह लग जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, तो उस सर्प का कल्याण करने में बुद्धि लग जाती है। अपना कल्याण हो या ना हो, अहिल्या बुद्धि बन जाती है, सांप लग जाता है, पत्थर बुद्धि बन जाती है। ऐसी जो पत्थर बुद्धि बनती है, उनकी पत्थर बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान ठहरता नहीं। एडवांस नॉलेज बैठती नहीं, भले सारी मुरली के पॉइंट के हिप्स कर लेंगे, लेकिन ज्ञान की गहराई का पॉइंट उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। ऐसी ऐसी जो अहिल्याएं बनती हैं, और कुब्जाएं बनती हैं, कुब्जा माना जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए, बैकबोन बाप दादा उनकी मदद न कर पाए, बाप का ही दिल तोड़ देती है, तो बाप उनकी मदद क्या करेगा, दिल से उतर जाते हैं, फिर भी बाप रहम दिल है, तो कहते हैं कि भले कितनी भी अहिल्याएं और कितनी भी कुब्जाएं बन जाती हैं, फिर भी अगर वो दो अक्षर प्यार से याद करें बाबा, तो बाप और वर्षा प्राप्त हो जाता है। फिर जितना जो याद करे और संग तोड़, एक बाप को याद करना, बाप कहते हैं जब मैं अपने घर में था तो तुम भक्ति मार्ग में कितना पुकारते थे, और अभी मैं आया हुआ हूं तो पत्र भी नहीं लिखते, भक्ति मार्ग में कहते थे बाबा आप आवेंगे तो हम सब कुछ कुर्बान करेंगे, हम बलिहार जावेंगे, ये हुआ जैसे कि करणी घोर, करणी घोर ब्राह्मण होते हैं ना, कोई मरता है तो उनका जो भी पुराना सामान होता है वो सब करणी घोर ले जाते हैं, ये बाप भी करणी घोर ब्राह्मण बन करके आया हुआ है, परंतु बाप लेकर के क्या करेंगे, जीते जी मरते नहीं है, ये तो बेहद के मरने की बात है, जो जीते जी मरते हैं उनका पुराना कफन बाप ले लेते हैं, तुमको समझना चाहिए कि तुम इनको तो नहीं देते हो, इनको ब्रह्मा को कहेंगे सिर्फ तो इसको, और इनको कहा तो राम कृष्ण दोनों की तरफ इशारा है, चाहे मुकर्रर रथ है चाहे टेम्परेरी रथ है, तो तुम इनको तो नहीं देते हो,
इसने भी तो सब कुछ दे दिया ना, किसने? ब्रह्मा ने। ये थोड़े ही यहाँ बैठ करके महल आदि बनावेंगे, ये सब शिव बाबा के लिए है, बुद्धि में रहता है, उनके ही डायरेक्शन से हम कर रहे हैं। वो शिव बाबा करणहार भी है और करावनहार भी है। किसके द्वारा करणहार? ब्रह्मा द्वारा करके दिखाता है, बच्चे करें या न करें खुद करके दिखाता है, उसको कहते हैं करणहार। और फिर बाप करावनहार भी है, खुद करे या न करे लेकिन बच्चों से करा के छोड़ेगा। बच्चे कहते हैं बाबा हमारे लिए एक आप ही है, आपको तो इतने ढेर बच्चे हैं। बाबा फिर कहते हैं हमारे लिए सिर्फ तुम बच्चे हो, तुम्हारे लिए तो बहुत है, कितने देह के संबंधों की जड़ी लगी हुई है, कितने देह के संबंधी याद आते हैं, और मेरे को तो कोई देह का संबंधी है ही नहीं। मिट्टी मिट्टी बच्चों को बाप कहते हैं जितना हो सके याद करो और सबको भूलते जाओ। स्वर्ग की राजाई का माखन तुमको मिलता है, तो जरा ख्याल तो करो कैसे ये खेल की रचना है। तुम सिर्फ बाप को याद करते हो और सुदर्शन चक्रधारी बनने पर चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभवी हो इस बात के, स्वदर्शन चक्रधारी बनने के। जितना जितना स्वदर्शन चक्र घुमाते जाते हो उतना स्वार्थ आत्मा के 84 जन्मों का दर्शन करते जाते हो। मनुष्य तो समझते हैं भक्ति परंपरा से चली आती है और विकार भी परंपरा से चले आए हैं, समझते हैं कि रामकृष्ण भी विकारी थे, विकारों से बच्चे पैदा करते थे। अरे देवताओं को तो निर्विकारी कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण की महिमा करते हैं तुम सर्वगुण संपन्न संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। देवताओं में विकार कहां से आए? देवताओं में विकार होते तो उनकी पूजा क्यों करते हैं? वो समझते हैं राम सीता को भी बच्चे हैं। अरे हाँ बच्चे तो हैं, परंतु वो श्रेष्ठ आचार्य औलाद है। कौन? जो बच्चे होते हैं देवताओं के वो श्रेष्ठ आचार्य औलाद होते हैं, और तुम तो भ्रष्टाचारी औलाद हो। उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। यहां पर तो सब है संपूर्ण विकारी, एक दो को गालियां देते रहते हैं, वहां थोड़े ही कोई किसी को गालियां देगा। अभी तुम बच्चों को श्री श्री कीमत मिलती है, तुम
तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं ना। अगर बाप का कहना नहीं मानेंगे तो फिर बाप तुमको श्रेष्ठ थोड़े ही बनावेंगे। श्रेष्ठ किनको बनावेंगे? 84 जन्म लेने वाला पक्का देवता किनको बनावेंगे? जो बाप के फरमान बरदार आज्ञाकारी बच्चे होंगे, फरमान बरदार आज्ञाकारी बच्चे वही होंगे जिन्होंने बाप को पक्का पक्का पहचाना होगा। पहचाना नहीं होगा तो अब क्या करेंगे? नाफरमानी करेंगे। तो सपूत बच्चे जो होंगे वो तो फौरन मानेंगे और जो कपूत होंगे वो आनाकानी करेंगे। बाप को पूरी मदद नहीं देते हैं तो अपने को ही घाटा डालते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूं, कितना पुरुषार्थ करवाता हूं और कितना तुमको खुशी में ले आता हूं। तुम फिर से बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हो, इस बात में कोई गफलत तो नहीं करनी चाहिए। परंतु माया गफलत करावेगी, परंतु बार बार माया के फंदे में नहीं फंसना चाहिए। माया से ही लड़ाई होती है, बहुत बड़े बड़े तूफान आवेंगे। उसमें भी काम विकार का बार जास्ती होता है। माया रुस्तम से रुस्तम होकर के लड़ेगी। जैसे वैद्य दबा देते हैं तो वैद्यों की टीम दवा लेने से बीमारी बाहर निकल पड़ती है। यहां भी बाप कहते हैं कि मेरे बनेंगे तो माया और ही वार करेगी। कहते हैं बेसिक नॉलेज में इतने तूफान नहीं आते थे, एडवांस ज्ञान लेने पर इतने तूफान क्यों आते हैं? जरूरी ये ज्ञान झूठ है। अरे ज्ञान झूठा नहीं है, ये हिसाब है। जितना रुस्तम बनेंगे माया रुस्तम बनकर के लड़ाई लड़ेगी। तूफान आवेंगे परंतु इसमें तो बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। हम पहले नंगे आए थे, पवित्र थे, फिर आधा कल्प से अपवित्र बने, अभी हमको फिर वापस जाना है। बाप कहते मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे भीतर विनाश हो जाएगा, और जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पावेंगे। एक पुरुषार्थ याद का एक सब्जेक्ट और कितने फायदे? एक तो जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे और दूसरा जितने जास्ती पाप कर्म भस्म होंगे उतना ऊंच पद पावेंगे। याद करते करते तुम घर चले जाएंगे। अभी वो जिस्मानी यात्रा की बक बक बंद करो,
जिस्मानी यात्राओं में बुद्धि नहीं जानी चाहिए, जिस्मानी यात्रा में और रूहानी यात्रा में क्या फर्क है? जिस्मानी यात्रा में पुजारी पंडित जिस्म को भगाते रहते हैं और रूहानी यात्रा में जिस्म को भगाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता कि पैसे इकट्ठे करो, चंदा इकट्ठा करो, यहां पहाड़ पर चलो, क्या करना पड़ता है? बुद्धि का परिवर्तन होता है रूहानी यात्रा में। बुद्धि ऐसी खींची चली जाती है कि तन मन धन सब उस ओर खींच जाता है, कहने की दरकार ही नहीं पड़ती कि तीर्थ यात्रा में चलो। ये अंतर है रूहानी यात्रा में और जिस्मानी यात्रा में। जिस्मानी यात्रा का आधार है शास्त्र और रूहानी यात्रा का आधार है बाप की याद और बाप की वाणी। तो बाप कहते हैं इन शास्त्रों की बकबक बंद करो, बिल्कुल अंतर्मुखता चाहिए। तुम कहते ही हो पतित पावन ज्ञान का सागर, क्या पतितों को पावन तो बनाता है? कैसे बनाता है? द्वापर युग से पतित बने, पतित बनाने वालों ने पतित बनाया, क्या किया है? अरे ऊपर से धर्म पिताएं आते हैं या कोई भी आत्माएं आती हैं तो जबर ये नाक उपाय करती है, कमजोर में प्रवेश कर जाती है। दुनिया में जो भी धर्म स्थापन हुए हैं वो जिस्मानी धर्म है, जिस्मानी ताकत के बल पर स्थापन हुए हैं। और ये तो तुम्हारी रूहानी बात है, पतित पावन ज्ञान का सागर है। ज्ञान सुना करके तुम्हारी बुद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, सुख का सागर है। दुख देने की तो बात ही नहीं। वो मुसलमान होते हैं जबरन धर्म परिवर्तन कर देते हैं, मानो तो मानो नहीं मानो तो तलवार के घाट उतार देते हैं। यहां तो बाप तुमको ज्ञान तलवार देते हैं, रूहानियत की तलवार है, ज्ञान के पॉइंट सुनाते जाओ, कोई के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है कि तुम ज्ञान में चलो। तुम इस रास्ते पर क्यों नहीं चलते? अक्सर करके देखा जाता है माताएं बहुत जोर देती है, हमारे ज्ञान में चलो। ये जोर देने की बात नहीं है, रूहानी प्यार दिखाना है, ज्ञान की भू भू करते रहना है, ज्ञान को भी बल कहा जाता है। ज्ञान
ज्ञान की बात है, ऐसा कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगा कि आत्मा उछल पड़ेगी? तो बाप भी ज्ञान का सागर है, अज्ञान के सागर होते हैं गुरु लोग। वो जबरियन धर्म परिवर्तन करना सिखाते हैं। बाप तो शांति का सागर है, सुख का सागर है, दुख देने लेने की बात ही नहीं। बाप कहते हैं जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुम सबको सब कुछ देता हूं, अपने पास कुछ भी नहीं रखता। सिर्फ एक बात है, दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता हूं। क्या सब कुछ तुमको ज्ञान रतन सारे ही तुमको सौंप देता हूं? बुद्धि विलास की कोई चीज अपने पास नहीं रखता, सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखता हूं। उसके बदले मैं तुमको विश्व का मालिक बना देता हूं। ऐसे तो साक्षात्कार में कुछ है नहीं। क्या बात हुई? साक्षात्कार में कुछ है भी नहीं, दिव्य दृष्टि से ही साक्षात्कार होता है। फिर बाबा दिव्य दृष्टि की चाबी क्यों नहीं देते है? ज्ञान सारा ही दे देते। जो ज्ञान बाप में है वो सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में उड़ेल देते, दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देते। क्यों? तीस छह सड़सठ की वाणी का रात्रि क्लास, रूहानी बाप को जितने बच्चे होते हैं उतने बच्चे और कोई को हो नहीं सकते। ऐसा कोई बाप नहीं होगा जो कहेंगे कि सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। हम सब वृद्ध हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम भाई भाई भी हैं और प्रभुजा पिता ब्रह्मा की औलाद होने से भाई बहन भी है। भाई बहन कब है? जब प्रजा पिता ब्रह्मा की औलाद है। और भाई भाई कब है? जब आत्म की स्थिति वाले हैं, तो आत्मा आत्मा भाई भाई है। उनकी यादगार क्या है? आत्मा आत्मा याद, आत्मा आत्मा भाई भाई की यादगार क्या है? और भाई बहन की यादगार क्या है? विजय माला है भाई बहन, और रुद्र माला है भाई भाई की यादगार। तो हम भाई भाई भी हैं, भाई बहन भी हैं। अभी भाई बहनों को वर्षा मिलना चाहिए बाप से, और किस बाप से वर्षा मिलेगा? अगर प्रजापिता ब्रह्मा को कहें तब तो भाई बहन के हिसाब से सिर्फ भाइयों को ही वर्षा मिलता है क्या? भक्ति मार्ग में 63 जन्म वर्षा मेल्स को मिलता रहा या फीमेल को भी मिला है? मेल्स को वर्षा मिलता रहा। ये तो आखिरी जन्म में अभी बाप आए हैं, तो गवर्नमेंट ने भी कानून बनाए दिया है
कि फीमेल्स को भी वर्षा मिलना चाहिए। रूहानी बाप के आने का कितना प्रभाव हो जाता है। अगर शिव बाबा कहें तो भी आत्मा बच्ची ठहरे, सबको वर्षा मिल जाता। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो जाते हैं तो बहन को वर्षा मिल जाता, ऐसे नहीं कहे। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो बहनों को वर्षा नहीं मिलता। अभी तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से तो वर्षा नहीं मिलना है क्या? अभी तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से वर्षा नहीं है, अभी नहीं है, फिर होगा कभी कि नहीं? वर्षा मिलता है शिव बाबा से, अविनाशी ज्ञान रत्नों का वर्षा ज्ञान सागर शिव बाबा ही तो देते हैं। प्रजापिता देता है क्या? प्रजापिता हो या ब्रह्मा हो, ये तो खुद ही बुद्धू बन जाते हैं आखिरी जन्म में। ब्रह्मा वर्षा नहीं देते हैं। सभी को बेहद के बाप से वर्षा मिलता है, वही ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा कोई ज्ञान का सागर नहीं है। अरे बार बार ब्रह्मा को क्यों बोलते, प्रजापिता को क्यों नहीं बोला? ब्रह्मा वर्षा नहीं देते हैं, ब्रह्मा ज्ञान का सागर नहीं है। ये भी पॉइंट बच्चों को सुनानी थी कि पूज्य शिव बाबा की पूजा होती है, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। पूजा शरीर की होगी या बिंदी की होगी, तो शिव बाबा की पूजा कैसे होती है? ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता है तो पूजा होती है, पूजा नहीं होती फिर? कार्य को संपन्न करके जाता है। तो वो शरीर, शरीर कौन सा निमित्त बनता है? प्रजापिता निमित्त बनता है, इसलिए बोला ब्रह्मा के फोटो नहीं रखो। क्या ब्रह्मा का फोटो रखेंगे तो पतित बन पड़ेंगे। पूज्य शिव बाबा की पूजा होती है, और तुम बच्चे तो हो ही शालिग्राम। शालिग्रामों की भी पूजा होती है, कब है? शालिग्राम की पूजा तब होती है जब उनका छिलका देहभान का उतर जाता है। टीका लगाते हैं तो मस्तक पर छिलके उतारे हुए चावल लगाए देते। तो तुम देखो देवता बनते हो, आत्मा प्योर बन जाती है तो पवित्र आत्मा पूजी जाती है, और साथ साथ तुम इस पढ़ाई से देवता बनते हो। काहे के साथ साथ? आत्मा बनने के साथ साथ। तो देवता रूप में भी पूजे जाते हो और शालिग्राम रूप में भी पूजे जाते हो। मेरी तो एक ही रूप में पूजा होती है, लिंग रूप में, निराकार रूप में, और तुम्हारी तुम्हारी तो डबल पूजा है। शालिग्राम रूप में भी तुम्हारी पूजा होती है और साकार रूप में भी तुम्हारी पूजा होती है। सेवावा तो एक ही पूज्य, वो देवता नहीं बनते हैं,
तुम देवता बनते हो। तो शिव बाबा को फायदा है या तुमको फायदा? तुमको फायदा। हम देवता बनते हैं फिर असुर कौन बनता है? तो फायदा घाटे में बदल जाता है। शिव बाबा न घाटे में जाता है न फायदे में जाता है, वो देवता नहीं बनते हैं। सिर्फ एक की ही पूजा होती है, तुम दो बार पूज्य बनते हो। एक आत्मिक रूप में पूज्य बनते हो, शालिग्राम में पूजा रूप, शालिग्राम रूप में पूजा होती है, और दूसरे साकार शरीरधारी देवता बनते हो, पवित्र इंद्रियों वाले, तो भी तुम्हारी पूजा होती है। तो देखो इस बात में भी तुम्हारा पद जास्ती है। ये पॉइंट्स बच्चों को ही सुनानी होती है, दूसरे धर्म वाली आत्माओं की बुद्धि में ये बातें बैठेंगी नहीं, क्योंकि तो इस जन्म में पवित्र बनते ही नहीं है, और नए तो कोई बहुत मुश्किल से समझेंगे। तो नयों को तो पहले पहले बाप की महिमा और भारत की महिमा सुनानी चाहिए। किसकी किसकी? भारत। बाप की महिमा, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप कौन है और भारत कौन है? रामायण की सारी कहानी भारत पर है, सिर्फ समझाने का खेल चाहिए। तो सारी कहानी भारत पर है या राम पर है? रामायण की सारी कहानी किस पर है? राम पर। नाम ही है रामायण, आयन माने घर, रामायण माना राम का घर। घर में कौन वास करता है? घर में जो मालिक होता है वो मालिक वास करता है, उसका परिवार परिवार वास करता है। तो रामायण में सारी महिमा भारत की है, इसका मतलब जो राम है वो ही भारत है। तो तुमको भारत की महिमा करनी चाहिए और बाप की महिमा करनी चाहिए। ओम शांति।